वेलकम टू माई चैनल ब्यूटीज एंड ब्लॉग्स। तो आज का वीडियो एक बहुत अच्छा ये प्यारा सा हरतालिका तीज पे मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है उस पर है। तो मेरे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना कि क्या गलती है और क्या अच्छा लगा आपको। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, हल्का फुल्का ऐसा किया है। उतना ज़्यादा मुझे मेकअप आता नहीं है, पर जितना भी आता है कोशिश की है करने की कि आपको पसंद आए। सो मेरा वीडियो ज़रूर पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। चलो तब ठीक है, मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके लिए मैं न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है। मैंने पहले ही से लगा लिया था, अपनी स्किन को अच्छे से प्राइम कर लिया था। अब मैं पर्पल का ये जो प्राइमर है वो लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, जेल बेस है और इससे बहुत अच्छे से स्किन का जो टेक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से आपके पोर्स को फिल भी कर देता है ये। तो मैं बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे टी जोन एरिया पे। तो अब मैं इसके बाद जो है वो अपने फेस को थोड़ा सा कलर करेक्ट करूँगी। तो उसके लिए मैं ये ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ जो NYB का है। ये पर्पल पे मिल जाता है बहुत ही आसानी से और हमेशा डिस्काउंट में भी रहता है और बहुत अच्छे से आपके जो डार्क एरिया है उनको बहुत अच्छे से करेक्ट कर देता है। तो मैं अपनी डार्क सर्कल्स पे लगा रही हूँ, नोज़ के पास थोड़ा सा लगा रही हूँ और माउथ एरिया के पास लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं उसे थोड़ा सा कवर अप कर रही हूँ। और अपनी रिंग फिंगर से बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी। बहुत बढ़िया से ब्लेंड हो जाता है, एकदम मक्खन की तरह ब्लेंड होता है। तो आप अपने रिंग फिंगर से ब्लेंड कर सकते हो या फिर कंसीलर ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो, पफ से ब्लेंड कर सकते हो। मैं पहले उसको फिंगर से ब्लेंड करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे ब्लेंड करना। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो बोल रही हूँ फिर उसके बाद वॉइस ओवर क्यों किया, क्योंकि मिट्टी उड़ चुकी थी तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया। अब मैं एक पफ से बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को आपस में ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छे से मेरा करेक्टर जो है वो स्किन पे ब्लेंड हो जाए। देखो कितने अच्छे से इसने कलर जो है डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा करेक्ट किया है। अब मैं अपना मेबलिन का सुपर स्टे वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इसमें मेरा शेड है वॉर्म न्यूड, जो कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट शेड आया है इस बार। हमेशा मैं गलती कर देती हूँ और हमेशा ही डार्क शेड मंगवाती हूँ। इसमें मैं ये स्विस ब्यूटी का पर्ल हाइलाइटर जो है वो थोड़ा सा मिक्स करके लगाऊंगी और ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, बहुत अच्छी से शीन आपको देता है आपके फेस पे। और किसी भी आप चाहो तो इसको मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा ले रही हूँ, नेक पे लगा ले रही हूँ अच्छे से। और ये फाउंडेशन जो है वो फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल कवरेज मुझे उतना पसंद नहीं आता। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। बाय द वे ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो कलर बार का है और मैंने इसको मॉल से ख़रीदा है। मेरा ब्लॉग है उसमें आप देख सकते हो मैंने जो शॉपिंग की है उसमें मैंने दिखाया है। एक बहुत ही प्यारी सी नेल पेंट भी ख़रीदी थी मैंने, तो मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। कितने बढ़िया से ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। नेक पे भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको। अब मैं इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी और कॉम्पैक्ट के लिए मैं मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। उसमें भी मेरा शेड है वॉर्म न्यूड, तो उससे मैं बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस को सेट कर ले रही हूँ। मिट्टी इतना हल्ला कर रही थी कि मुझे वॉइस ओवर देना पड़ गया। मैंने सोचा कि अब मैं कभी भी वीडियो चैट चैट वाला नहीं बनाऊंगी क्योंकि मिट्टी बिल्कुल भी बनाने नहीं देती है, बहुत ही हल्ला करती है। तो अब या तो वो सो रही होगी तभी कोई ऐसा वीडियो बनाऊंगी, वरना हमेशा वॉइस ओवर ही दूंगी। तो इसके बाद मैंने अच्छे से फेस को सेट कर लिया है। अब मैं थोड़ा कंसीलर लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है कंसीलर यूज़ किया है, कंसीलर मैंने ब्यूटी का यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा कंसीलर है। थोड़ा सा मेरे स्किन से थोड़ा सा लाइट आया है, थोड़ा हाइलाइटिंग कंसीलर जैसा लगा। शेड नंबर तो मैंने है अच्छे से बट आईलाइन पे लगाया है, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा थोड़ा डार्क एक शेड डार्क में मंगा सकती थी बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने अपने आईज पे लगा लिया है, अच्छे लगाया है, चिन पे लगाया लिया है, चिन में सेम ब्यूटी ब्लेंडर की। अब वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है ये। अब अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद मैं इसको एक कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँगी एक बार।
तो देखो मैंने जो कॉम्पैक्ट लिया है वो भी सेम वही फिटमी का कॉम्पैक्ट है और बस उसी से मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे बगल में मिट्टी खड़ी होकर मुझे देख रही थी तो मुझे हंसी आने लगी। अब मैं उसे अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं आइस पे जाऊँगी और मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट। इसमें मेरा शेड शायद 4 है और इसमें से मैं ये एकदम लाइट वाला जो शेड है ना वो शेड अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से। ये बहुत अच्छा पैलेट है, पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाता है। अब मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं एक शेड थोड़ा डार्क जाऊँगी जो कि ये डार्क ब्राउन शेड है और इसको भी अपनी क्रीज पे ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी सेम उसी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। थोड़ा सा और ब्लेंड करूँगी। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतनी ही आपका जो आई लुक है वो अच्छा आएगा। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी बट अब लाइट बिल्कुल ठीक है। और मैंने पहना हुआ था ग्रीन और रेड कलर का सूट तो मुझे कुछ वैसे ही करना था तो मैंने अभी यहाँ इसके इसी पैलेट में से एक ग्रीन शेड लिया है और अपने आईज के कॉर्नर पे जो है मतलब आउटर कॉर्नर पे एक वी शेप में उसको अच्छे से पुट किया है और ब्लेंड किया है बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही पिगमेंटेड है ये बट ये है कि थोड़ा सा और पाउडरी बिल्कुल भी नहीं है बट थोड़ा थोड़ा आप जो है प्रोडक्ट लेके लगाओगे ना तो वो अच्छी तरह से बिल्ड हो जाएगा। तो मैं वही आउटर वी पे अच्छी तरह से इस ग्रीन कलर को थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी और सेम वही जो पहले वाला फ्लफी ब्रश था उससे क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे। अब इसके बाद हम तो मैंने अब ऑफलाइन दूसरा आईज़ में भी कर लिया क्योंकि फिर दोनों आईज़ में करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने ऑफ़ कैमरा दूसरी आईज़ कर ली थी। अब इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर जो है वो शेड नंबर 8 है और ये बहुत ही प्यारा सा सिल्वर कलर है इसको अपनी सेंटर ऑफ द आईज़ पे अप्लाई करूँगी इसी सेम जो इसका वॉन्ट है उसकी हेल्प से। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की ना कि ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है तो अगर आप इसके बीच में कोई कलर लगा के उसके बाद आप इसको उसके ऊपर से लगाओगे ना तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा वरना ये थोड़ा सा एकदम क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर शेड है तो ये थोड़ा सा कम दिखाई देता है। अगर आप इसके ऊपर कोई और नॉर्मल मैट कलर लगा लो चाहे वो रेड हो पिंक हो जो भी आपको आपके ड्रेस के हिसाब से और उसके बाद आप ये वाला शेड अप्लाई करोगे ना तो वो और ज़्यादा सुंदर लगेगा ऐसा मुझे लगा। मैं ट्राई करके देखूँगी और आप भी वैसे ट्राई करना एक बार। वैसे ये बहुत प्यारा शेड है और बहुत ही अच्छा लगता है आइस पे क्योंकि मैं हम तीज में दर्शन करने दिन में जाते हैं मंदिर में तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाहती थी बहुत ही लाइट रखना चाहती थी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। रात में थोड़ा हैवी मेकअप अच्छा लगता है बट दिन में उतना ज़्यादा हैवी नहीं अच्छा लगता इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट ही रखा है हल्का कलर ही ऐड किया है अपने आइस पे। अब मैं सेम थोड़ा सा वही फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छी से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूँगी सब कुछ और मुझे लग रहा है कि मेरी आईज़ जो है वो अच्छी लग रही है। अभी काजल और लाइनर लगाने के बाद बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जो ग्रीन शेड था वो मुझे लगा थोड़ा सा लाइट हो गया है तो मैंने वापस से थोड़ा सा वो ग्रीन शेड लेके आउटर वी पे प्लेस किया है। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा हल्का हो गया है अब अच्छे से ब्लेंड कर लिया है उसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरह से। नाउ मैं स्टेक ओर्की का बिंदास काजल जो है वो यूज़ कर रही हूँ बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत अच्छी तरह से ग्लाइड होता है तो मैं उसको अपनी आंखों पे लगा लूँगी आईज़ के लोअर लैश लाइन में अपर पोर्शन में आईज़ पे अच्छे से लगा लूँगी
और देखना काजल लगाने के बाद ही जो है लुक वो बहुत अच्छे, बहुत ही एकदम अलग सा चेंज हो जाता है काजल लगाने के बाद आपकी आई लुक। देखो मेरी आंखें बहुत छोटी हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि काजल लगाने से थोड़ा ठीक लगता है, अदरवाइज़ मेरी आंखें छोटी हैं। अब मैं, मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ भी सिल्वर कलर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा वो कलर भी प्लेस किया है और मुझे अच्छा लग रहा है आई लुक मेरा। अब मैं ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट है वो यूज़ कर रही हूँ और एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं इसमें ग्रीन, ग्रे शेड और ब्लैक शेड दोनों को मिक्स करके अपने आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर लूँगी। ये बहुत अच्छा है, इसमें एक वैक्स भी मिलता है आपको, जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो वैक्स लगाने से आपकी आईब्रोज़ जो है वो फिक्स रहेगी ज़्यादा टाइम तक के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बट मैं वो यूज़ नहीं कर रही और मैंने इस पैलेट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया हुआ है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल लुक आपको देता है। देखो कितना यूज़ किया मैंने इसको, बट मैं वैक्स मैंने बहुत कम यूज़ किया है, वैक्स ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं एक स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक लगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम लगाएंगे सेम फिटमी का, मैंने यहाँ पे पैलेट यूज़ किया है टॉफ़ी, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसका शेड है 330 और ये एक बहुत ही अच्छा कूल टोन ब्राउन शेड है। इससे आप बहुत अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, कॉन्टोर कर सकते हो। ये आइडिया मैंने कफ्स एंड लैशेस की निधि कटियार का वीडियो देखा था, उनसे मैंने सीखा है, मैं उनको फॉलो करती हूँ और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे और मैं उनके आइडियाज़ को बहुत फॉलो करती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा आइडिया उनका था और अगर आप इन बजट ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। शेड इसका है 330 टॉफ़ी, बहुत प्यारा शेड है। अब मैं शुगर का ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ और ये शायद शेड नंबर 02 है और इससे ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एकदम, बहुत ही हल्के हाथ से आप इसको अप्लाई करना। एक बार ही आप इसको अगर डिप करोगे ना तो बहुत अच्छा खासा जो है वो प्रोडक्ट आ जाता है आपके ब्रश पे, तो बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आप अप्लाई कर सकते हो और फिर बिल्ड कर सकते हो इसको, बहुत ही प्यारा लुक आता है। मैं थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब बारी आती है थोड़ा सा हाइलाइटर की और मैं सोच रही थी कि मैं सेम स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एक बार ट्राई करके देखती हूँ। वैसे तो मैंने फुल फेस पे इसको यूज़ किया है बट ऐसे एज सच इस तरह से हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई किया बट मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कोई भी पाउडर वाला हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, सेम वही हाइलाइटर यूज़ किया अपने चीक बोन पे, आईब्रोज़ के नीचे, थोड़ा सा नोज़ पे, चिन पे, जनरली हम जहाँ हाइलाइटर लगाते हैं जैसे वैसे ही क्यूपिड बो पे भी, और मुझे अच्छा लग रहा था इसका लुक। अब ये रेड कलर की बिंदी लगाई है मैंने। अब मैं अपने आईलैश को थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ आईलैश कर्लर्स की हेल्प से, ये वेगा का लैश कर्लर है और उसके बाद पर्पल का मस्कारा यूज़ करूँगी, इससे अपने आईलैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी। अच्छा है ये मस्कारा, बहुत ज़्यादा लेंथ तो नहीं देता आपके लैशेस को बट ठीक है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा हल्का वॉल्यूम दे देता है आपको। तो मैंने अच्छे से लोअर लैश लाइन, अपर लैश लाइन दोनों तरफ ही लगा लिया अच्छी तरह से। थोड़ा सा कॉर्नर पे मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा एक कोट और देना चाहिए। इसके बाद मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये स्केच लाइनर है और इसी से मैं अच्छे से एक विंग तो ड्रॉ नहीं करूँगी, नॉर्मल सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि मैं एक बहुत ही सिंपल सा लुक रखना चाहती थी, सो मैंने कोई विंग ड्रॉ नहीं किया, बहुत ही बेसिक सा लाइनर ड्रॉ किया है और लाइनर लगाने के बाद सचमुच आई लुक बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल के बारे में सोच रही थी कि मैं क्या करूं, तो मैंने अभी
सोचा, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही उसको कोम करके क्लचर ही लगा लिया, और मुझे लगा क्लचर लगा के ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली है, और यहाँ ये रेड दुपट्टा ले लिया है ग्रीन सूट के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये लुक। और ये बिंदी थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही थी, तो मैंने इस बिंदी को चेंज कर लिया, और चेंज करके एक बड़ी रेड कलर की बिंदी लगा ली।